हाँ निक बताओ जरा। इसके बाद आप डोर पैनल बनवा सकते हो। ओके उसके तो साथ भैया ने जो यहाँ पे डोर पैनल बनाया सबसे पहला सीट कवर की डिजाइन और उसके अलावा फिटमेंट कपड़े की क्वालिटी। भैया अब साउंड टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग जो भैया ने स्पीकर चेंज कराया ना उसमें कितना मतलब साउंड है। एक बार बूफर का मैंने देखा था यूट्यूब पे। ओके यूट्यूब पे देख के मैं पहली मेरी गाड़ी लेके आया दो करेटा। ओके उसके बाद में स्कॉर्पियो लेके आया। हेलो एवरीवन भाई, तुम्हारे साथ करते हैं स्कॉर्पियो की एक और नई वीडियो में। तो आज जो गाड़ी अपने पास आई थी ना राजस्थान मतलब आई है अपनी राजस्थान से, पहले की एक कस्टमर हमारे पास आ चुके थे क्रेटा लेके, बट अब की बार जो है ना स्कॉर्पियो का S11 मॉडल लेके आए हैं। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी मॉडिफिकेशन है जो हमने इसके अंदर किया है वो बताएंगे हमारे निक्कू भैया। तो बताओ निक्कू भैया क्या क्या मॉडिफिकेशन जो है आपने इसके अंदर किया है। ये S11 गाड़ी थी ठीक है मॉडल ठीक है ठीक है। तो मॉडल के अंदर क्या हेडलाइट और प्रोजेक्टर वाली आती है। हाँ जो हम क्लासिक एस के लगाते हैं इसमें तो नॉर्मल आता है नॉर्मल आता है 11 में प्रोजेक्टर आता है। हाँ इसके अंदर हमने दो सेट LED लगाए ऊपर ठीक है 120 वाट का ठीक है ठीक है। और बताओ नीचे फोग लैंप में 90 वाट का लगाए ठीक है। इसके अलावा हेडलाइट का आगे का काम यही था बाकी अगर आपके पास S वेरिएंट होता ना उसमें आप ग्रिल लगवा सकते हो सेम लगवा सकते हो सेम ये करवा सकते हो सेम पेंट करवा सकते हो पेंट करवा सकते हो। हाँ। वैसे हालांकि ज्यादातर गाड़ी तो पेंटेड भी सेम लगवा हालांकि ज्यादातर गाड़ी तो पेंटेड ही आती है। हाँ। बट जो ऑप्शन मेन रहता है आपका S में ना वो रहता है अपना हेडलाइट का रहता है। हेडलाइट आपको टॉप मॉडल वाली मिल जाएगी, ग्रिल आपको टॉप मॉडल वाला मिल जाता है, DRL आप लगवा सकते हो, फॉग लाइट लगवा सकते हो और इनके अंदर जो LED अपग्रेडेशन करवाना है वो करवा सकते हो है ना। और बताओ निक्कू भैया जरा के अलावा अगर आप लेके आते हो तो अलॉय बिल भी सेम अपने पास होता है लगवा सकते। देखो अलॉय बिल का एक सबसे बढ़िया सर बताता हूँ आपको कि अगर कंपनी से आप ठीक है लेकिन हमारे पास 33,000 का बट बाहर आपको नहीं ये सीधा सीधा आधे रेट पे मिल जाता है वो भी ओरिजिनल डब्बा पैक वो भी जेन्युइन महिंद्रा का। तो ये चीज आप देखते हो, बाकी इसकी जगह आप जो है थार का अपना अलॉय वो लगवा सकते हो। थार का भी अलॉय अवेलेबल है। थार का भी अलॉय कितने का है वो? थार का कोई भी बेस मॉडल स्कॉर्पियो लेके आते हैं टायर डिफरेंस दे और 8,000 रुपए दे थार का लाइबिल टायर दोनों लेके जाए। चलो जी तो ये डिफरेंस जाता है। बाकी एक बार अंदर निक्की हुआ ना बहुत अच्छा सेटअप बनाया इसका, तो एक बार अंदर चल के आपको दिखा दे क्या सेटअप है इसके अंदर। चलो पहले पीछे चलते हैं वहां का दिखाओ जरा। हाँ सर पीछे में तो सबसे पहले तो देखो भाई S मॉडल में सबसे बढ़िया लगती है जो इसकी पिलर लाइट जो निक्की बहन लगाई है ना ये बिल्कुल डमी पीस आता है तो उसकी जगह आप ये पिलर लाइट लगवा सकते हो और बहुत बड़ी जबरदस्त लगती है। और दूसरी जो ये हमने रिफ्लेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल किए ना, हालांकि दो टाइप के आते हैं एक तो चिपकने वाले आते हैं एक बोल्ट वाले, बट ये जो है ना अपना ये अपना बोल्ट वाला जो कम्प्लीटली फिट हो जाता है इसके अंदर। और क्या क्या चीज़ें लगवा सकते हो? ओके तो हालांकि आपको पता ही होगा भाई कि महिंद्रा में ना जो सिस्टम आ रहे हैं वो भी अपने एंड्रॉयड ही आते हैं निपोन का तो उसकी में कैमरा अगर आपको अटैच करवाना तो कैमरा आप अटैच करवा सकते हो, बाकी भी नॉर्मल एंड्रॉइड की तरह वो भी होता है सेम जैसे कंपनी में लगा के देते हैं। बस इधर का काम है। बाकी अगर आपके पास S है तो रियर वाइपर आप इंस्टॉल करवा सकते हो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें वो लग सकती है इसके अंदर। बताओ जरा इसके बाद आप डोर पैनल बनवा सकते हो। ओके उसके साथ भैया ने जो यहाँ पे डोर पैनल बनाया है तो निक्की भैया ने डोर पैनल यहाँ पे किया ना भाई, ये तो कंपनी से ही आया था सेटअप बट S मॉडल है तो उसमें आप लगवा सकते हो। हालांकि पिछली वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें हमने दरवाजे इंस्टॉल किए थे तो भैया ने ये क्या किया यहाँ पे ना बर्फी डिजाइन दे दिया है जो एक इसको क्लासिक प्रीमियम लुक दे दिया और जो कलर दिया है इसका वो डार्क ब्राउन का दिया है जैसा कि स्कॉर्पियो N में आता है। हाँ बिल्कुल। और बताओ जी इसके अलावा अगर S है ना तो पावर विंडो सेम लगवा सकते हो। वो तो लग जाता है, बेस मॉडल आपके पास है और आपको नीड है पावर विंडो की तो आप लगवा सकते हो। बाकी नीचे देखे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे वेलकम लाइट निक्की भैया ने ओरिजिनल महिंद्रा की लगाई है जिसमें आपको प्लास्टिक यहाँ मिल जाता है, बीच में स्टील स्कर्फ मिलता है और यहाँ पे आपको बीच में स्कॉर्पियो लिखा हुआ दिख जाता है। और बताओ जी इसके अलावा सीट कवर जब मैं उधर से आता हूँ फिर आपको अच्छा दिखाता हूँ। हाँ जी निक्की भैया बताओ सबसे पहला सीट कवर की डिजाइन और उसके अलावा फिटमेंट कपड़े की क्वालिटी ठीक है। तो देखो सीट कवर जो निक्की भैया ने लगाया वो बढ़िया प्रीमियम कपड़े में लगाया है, ब्लैक एंड डार्क ब्राउन का इन्होंने वो दिया है कॉम्बिनेशन दिया और यहाँ पे आप देखोगे तो बर्फी टाइप का ना स्टिचेस दिया है और यहाँ पे इन्होंने बर्फी बनाई भी है फोमिंग के अंदर में जैसा कि आपको यहाँ दिख जाएगा। बीच वाला जो साइड का हिस्सा ये ब्लैक रखने वाला और सेंटर का हिस्सा अपना 4-4 इंच की जो मतलब पट्टी आती है ना उस पर है और थाई कर देंगे बाद जो इसकी फिटमेंट आती है ना प्रॉपर फुल्ली बकेट की जो व्रिंकल फ्री सीट का और आप जिसको बोलते हो सेम वैसा सेटअप इन्होंने यहाँ पे तैयार कर दिया। और फिटिंग खाली आगे आगे का पीछे भी सेम है तो यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखोगे तो पीछे अपना आर्मरेस्ट है बड़े वाला तो ये देख लो, बाकी डिजाइन जो है इसके अंदर वो दोनों सेम टू सेम है, ब्लैक के साथ जो डार्क ब्राउन कॉम्बिनेशन विद बर्फी डिजाइन लिया गया ना वो काफी अच्छा और प्रीमियम लुक देता है। बाद बता सकता हूँ जो टॉप मॉडल भैया का जो सेटअप था ना स्पीकर का उनको समझ नहीं आया तो इनके अंदर JBL स्टेडियम का कंपोनेंट और स्टेडियम का ओवरले स्पीकर लगाया गया। ओके तो अभी देखो भाई JBL में ना हाई रेंज का सबसे तगड़ा स्पीकर आता है वो आता है अपना वो आता है भाई JBL का स्टेडियम, तो भैया ने JBL के स्टेडियम का कंपोनेंट यहाँ लगाया और पीछे जो है अपना ओवर स्पीकर लगाया क्योंकि स्कॉर्पियो में आगे कंपोनेंट और पीछे ओवर लगते हैं। बाकी जैसा कि भैया ने बताया कि इसके अंदर जो साउंड सेट है वो तगड़ा कर दो तो एक बारी साउंड टेस्टिंग भी करेंगे और जो फुल गाड़ी भैया ने डैम्प करी है ना तो फुल गाड़ी डैम्पिंग की मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। एक तो ये देखो आपका जो ये साउंड है वो बंद हो जाता है, दूसरे जब आप दरवाजा बंद करते हो ना और जो एक खट सी साउंड आती है
वो अपना क्लियरिटी पूरा हो जाता है और दरवाजे थोड़े हैवी रहते हैं, बाहर की नॉइज जो है वो बिल्कुल नहीं मिलते आपको। बाकी नीचे की तरफ आप देखोगे तो भैया ने यहाँ पे ना अपना जो मैट है 90 वो इंस्टॉल करवा दिया है। तो निकू भी अराउंड कितने मतलब की कॉस्टिंग आती है अगर आप कोई बंदा S2 S11 कन्वर्ट कराता है उसको? तो S2 S11 करवाता है तो भैया कम से कम ऐसे क्वालिटी का काम देखो, सबसे बड़ी तो क्वालिटी वाइज काम। ओके S लेके S11 काम तो 1.5 लाख में गाड़ी तैयार होती है। ओके क्वालिटी वाइज काम तो 2.5 लाख में भी काम तैयार होती है, 3 लाख में भी होता है। बस वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप क्वालिटी लेते हो, काम रेंज के स्पीकर लेते हो। ओके आज भैया ने S11 लेके आया, ठीक है, कंपनी फिटेड स्पीकर हटा दिया। वो तो निपॉन के आते हैं नॉर्मल से, हटा दिया तो क्वालिटी लेना था तभी तो हटाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका सेटअप बैठ जाता है ना वो मेन बैठता है सिस्टम की तरह। बाकी एक बार अगर आपको इसका स्टीयरिंग मैं दिखाऊं तो स्टीयरिंग जो भैया ने रैप किया वो सिंगल कलर में रैप किया है, डार्क ब्राउन में, एक टाइप से चॉकलेट कलर भी बोल सकते हो आप इसको। और देखोगे लुक वाइज देखे ना तो एकदम जबरदस्त है। तो हालांकि यही सारा काम हुआ ना इसके अंदर? हाँ बिल्कुल यही काम। चलो जब एक बार म्यूजिक टेस्टिंग करते हैं देन भाई फ्री करते हैं भैया को। भाई अब साउंड टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग जो भैया ने स्पीकर चेंज कराया ना उसमें कितना मतलब साउंड है। तो एक बार बूफर भी लगा इसके अंदर, तो वैसे भी एक बार साउंड टेस्ट करते हैं इसका। स्टेडियम के साउंड में ना अलग ही जवाब होता है, मतलब एक हाई लेवल का जो साउंड बोलोगे ना वो इसके अंदर हो चुका है अपना। बट जो भी बोलो साउंड जो है इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सारा काम होता है इसके अंदर। अब चलते हैं कस्टमर रिव्यू के पास, लेते हैं कस्टमर रिव्यू एंड भाई करते हैं वीडियो का एंड। लो भाई आगे हम कस्टमर रिव्यू में, भैया हमारे गाड़ी को ओनर भैया क्या नाम है आपका? मेरा जुगल यादव है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जयपुर राजस्थान से। अच्छा निकू भैया का लिंक कैसे मिला आपको? रिंकू जी का मैंने देखा था यूट्यूब पे। ओके यूट्यूब पे देख के मैं पहली मेरी गाड़ी लेके आया 2 करेटा। ओके उसके बाद में स्कॉर्पियो लेके आया, मेरी ये चौथी गाड़ी है, चौथी भी ये गाड़ी में निकू भैया से तैयार कर रहा हूँ। और बहुत ज़बरदस्त काम किया है निकू भैया ने, मेरे पहली भी गाड़ियों में अच्छा काम किया है और अब की बार भी बहुत शानदार काम किया है निकू भैया ने। तो ओवरऑल जो गाड़ी में काम हुआ उससे आप फुली सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ भैया। तो निकू भैया कुछ कहना चाहोगे? अबाउट इसके एक्सेसरीज वगैरह के बारे में कुछ? मैं सिर्फ एक बार बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास 100 में से 90 से 95% कस्टमर रिपीट है, क्योंकि हम अपने हिसाब से काम करते हैं। ओके कस्टमर का बात हम हमेशा नहीं सुनते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। हाँ जिनको मार्केट ट्राई करना, मार्केट घूमना है, उनका अलग बात है, ठीक है, हम अपने हिसाब से। ये भैया का मैंने काम किया हूँ, ये पहली गाड़ी नहीं है, ये मेरी चौथी गाड़ी है के पास, ठीक है। अब काम से मैं क्या बताऊँ इनसे, बहुत सेटिस्फाइड काम है निकू भैया का और बहुत शानदार काम करते हैं। जितने मेरे राजस्थान के भाई हैं सब निकू भैया के पास में आओ और एक बार इनका काम करा के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया। और बहुत सेवा का मौका दो भैया को, बहुत अच्छा काम करते हैं, रीजनेबल रेट है, क्वालिटी और जो भी सामान है आपको दिखा के लगाएंगे सारा जितना भी है, बाकी 100% सेटिस्फाइड काम है भैया का। फिर इनके एक और स्कॉर्पियो आ रहा है, मेरे कजन सिस्टर है उसका है का। ठीक है, ठीक वो भी आ रहा है, 5 दिन बाद में वापस निकू भैया के पास में आएगा, उसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा आगे। बिल्कुल जरूर देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद जी आपने टाइम निकाल के रिव्यू दिया। तो भाई ये थी अपने मतलब स्कॉर्पियो के ओवरऑल जो काम हुआ था और कस्टमर रिव्यू। तो बाकी के स्कॉर्पियो के वीडियो के लिए भाई निकू कपलर को आप सब्सक्राइब कर देना, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस गाड़ी से रिलेटेड उसके लिए मैं निकू भैया का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लेना। भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। Answer.